वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लास। बच्चों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक वीडियो के अंदर सॉल्यूशन टॉपिक। सॉल्यूशन 11th क्लास में भी है, 12th में भी है, और इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो जेई और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑलमोस्ट तीनों टॉपिक कवर करूंगा, 11th, 12th एंड जेई नीट। ओके, सो आई विल स्टार्ट बेसिक से लेके स्टार्ट हम लोग करेंगे बेसिक से और बेसिक से लेके अप लेवल तक जेई नीट तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो देखो एंजॉय करते हैं सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन दैट इज इट इज द होमोजीनियस मिक्सर। It is the homogeneous mixer. It is the homogeneous mixer of solute and solvent. Solute and solvent. It is the homogeneous mixer of solute and solvent. So, what do you mean by homogeneous mixture? So, the ratio of solute and solvent throughout the solution is uniform. यूनिफॉर्म का मतलब हुआ बच्चों कि एक ग्लास पानी लेते हैं, उसमें एक चम्मच चीनी डाल दिया, और अगर दो ग्लास पानी लिया, दो चम्मच चीनी। सो होमोजीनियस दैट मीन द रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट थ्रू आउट द सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म। द रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट थ्रू आउट the solution throughout the solution is uniform. So solution ka matlab ho gaya it is a homogeneous mixture of solute and solvent, and homogeneous mixture the ratio of solute and solvent throughout the solution is uniform, right? Now basics of solution mein kuch cheeze aur samajh lete hain. For example dekho aapke paas solution, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो एक सबसे पहला सॉल्यूशन होता है जो आप 9 से पढ़ते आ रहे हो, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस मूड सॉल्यूट कैन डिसॉल्व। जब तक सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है हम लोग उसको क्या कहेंगे बच्चों? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व। मतलब सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। एंड थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। After heating, solute can dissolve. So, देखो इसका मतलब एक बार फिर से समझ लेते हैं। Solution, there are three type of solution. First one is unsaturated. Second one is saturated. Third one is super saturated. अनसेचुरेटेड का मतलब हुआ जैसे मान लो हमने एक ग्लास पानी ले लिया, उसमें चीनी डाल के स्टायर किया, डिसॉल्व हो जाता है। तो जब तक वो डिसॉल्व हो रहा है बच्चों उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनसेचुरेटेड। एक ऐसा समय आएगा जब डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। जैसे डिसॉल्व होना बंद हो जाता है क्या हो गया? सैचुरेटेड। उसके बाद अगर उसको हीट करते हैं तो फिर से डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। सो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट्स, जस्ट टर्म्स को आपको याद रखना है। तो फर्स्ट वन इज बाइनरी सॉल्यूशन दैट इज टू कंपोनेंट। किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपके पास दो ही कंपोनेंट हो तो उसका नाम दिया गया बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें शुगर मिला दिया एंड वाटर मिला दिया, तो इसमें देखो कंपोनेंट कितने हो गए? दो। तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। सेकेंड वन इज टर्नरी सॉल्यूशन, TERNARY, टर्नरी सॉल्यूशन। दैट इज थ्री कंपोनेंट,
थ्री कंपोनेंट। जैसे यहां पे देखो हमने लिया था सुगर, वाटर और थोड़ा सा इसमें लेमन मिला लेते हैं, तो आप देखो कंपोनेंट कितने हो गए, थ्री। अगेन थर्ड वन इज क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन दैट इज फोर कंपोनेंट, फोर कंपोनेंट सुगर, वाटर एंड लेमन और थोड़ा सा सॉल्ट भी मिला देते हैं, सिकेंसी बन जाएगा एंड फोर्थ हो गया। सो देयर आर क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। सो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब बच्चों टू कंपोनेंट, टर्नरी दैट इज थ्री कंपोनेंट एंड क्वार्टरनरी दैट इज फोर कंपोनेंट। अगेन हम सॉल्यूशन को डिवाइड करें तो देखो ये आपने पढ़ा होगा टेंथ क्लास में, कभी कभी ऐसा लिखा होता डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखो जब भी मैं किसी बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा डायलूट का क्या मतलब होता है, तो बच्चों का ये सेंस रहता है कि सर वाटर बहुत ज्यादा होगा, कितना होगा ये कोई बच्चा नहीं बताता है, तो आपको परसेंटेज याद रखना जरूरी है। सो सॉल्यूट का अमाउंट लेस देन 5% अगर होता है तो डायलूट होगा एंड इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन 5%, अगर ग्रेटर देन 5% होता है, ग्रेटर देन 5% तब उसको हम लोग क्या कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो डाइल्यूट का मतलब द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन इक्वल टू 5%, 5 या 5 से कम होना चाहिए एंड कंसंट्रेटेड दैट इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन 5%। अगेन कभी कभी देखोगे टेंथ क्लास में भी आपने देखा होगा कहीं लिखा होता है एक्वस सॉल्यूशन, AQ एक्वस सॉल्यूशन कहीं लिखा होगा बेटा एक्वस सॉल्यूशन, राइट एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो क्या लिखा होगा AQ एक्वस सॉल्यूशन, कहीं भी अगर एक्वस वर्ड आ गया जिसका मतलब 100% आपका सॉल्वेंट क्या होगा वाटर, तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे याद करो टेंथ क्लास में कभी कभी NaCl लिखा होता था, NaCl और ब्रैकेट में AQ, मतलब NaCl हमारा सॉल्यूट हो गया और एक्वस क्या हो गया सॉल्वेंट दैट इज वाटर। सो अगेन सेकेंड कभी कभी देखो ऐसे लिखा रहता है ALC अल्कोहलिक सॉल्यूशन, जैसे अल्कोहलिक वर्ड आ गया तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट होगा वो अल्कोहल होगा, अल्कोहल, अल्कोहल भी बेटा फिक्स हो गया कि C2H5OH ही होगा और इसका नाम क्या होता है इथेनॉल एंड ऑर्गेनिक लैब के अंदर इसका नाम है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इस तरह से हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जनरली ये पेपर में नहीं आते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमाउंट। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, राइट, नोट कर लो आप। तो ये जो मैंने बताया बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में हमने बेसिक पढ़ा, नाउ आई विल स्टार्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। सो लिखो बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, strength of the solution, strength of the solution। So सबसे पहले बहुत important topic होता है, question में ऐसे लिख देंगे, ध्यान से समझना बच्चों, 10% HCl लिख दिया और bracket दे दिया W by W, या लिखा हो सकता है आपके by mass और by weight, ऐसा कुछ भी लिखा हो सकता है। तो सबसे पहले देखो जब हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन में कंपोनेंट कितना चाहिए, 2, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ आपको HCl दिख रहा है तो जो दिख रहा है वो यहाँ पे सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा, सॉल्यूट। अब दूसरा कंपोनेंट तो गिवन नहीं है तो हम अपने मन से कभी भी लेंगे तो वाटर ही लिखते हैं एंड वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। सो अगर क्वेश्चन में गिवन है सॉल्वेंट तो वही लेना है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। दूसरा जो डिनोमिनेटर में देखो आप लिखा हुआ होता है W, डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट सॉल्यूशन एंड W का मतलब इसे आपको हमेशा ग्राम में लेना है, न्यूमरेटर में जो लिखा होता है बच्चों वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ भी W है मतलब हमेशा ग्राम में लेना है। दूसरा परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज का मतलब 100, तो देखो इसका मीनिंग क्या हुआ 100 ग्राम,
HCl solution contains 10 gram HCl. 10 gram HCl. तो देखो यहां पे लिखा मैंने 100 gram HCl solution. इसका मतलब हुआ ये है हमारा mass of solution. Mass of solution. और यहां पे देखो आपके पास क्या आ गया, mass of solute. Mass of solute. अब अगर हम दोनों को माइनस कर दें यहाँ पे, तो यहां से देखो आपका क्या निकल आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 - 10 दैट इज 90. ये आपका आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट. इसी तरह से एक दूसरा मीनिंग लेते हैं. सपोज करो क्वेश्चन में लिखा होता है, यस बताना बच्चों आप अपने यहाँ 15% HCl उठ गई और ब्रैकेट लिख दिया मैंने W/W. तो यहां से देखो सबसे पहले तो आपको देखो ये कंपोनेंट क्या हो गया, सॉल्यूट जो गिवन होता है. अभी हमने बताया था कि जो गिवन होता है वो सॉल्यूट हो जाता है, और जो फाइंड आउट करना है मतलब जो गिवन नहीं है उसको वाटर लेते हैं एंड इट एक्ट एज ए सॉल्वेंट. तो अगर मान लो ऐसे लिख दिया और हमसे पूछा गया कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, यस बताओ बेटो सॉल्यूशन का मास, यस 100 ग्राम, वेरी गुड 100 ग्राम. अब देखो यहां पे पूछ लिया गया मुझे मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो सबसे पहले तो देखना है सॉल्यूट होगा क्या यहाँ पे, HNO3. तो देखो जो लिख देते हैं यहाँ पे 15% लिखा है, यही आपका मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 15 ग्राम, दैट इज मास ऑफ HNO3 इज 15 ग्राम. अगर हमने पूछा यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मतलब देखो क्या हो गया यहाँ पे, वाटर. एंड इसका मास कितना हो गया, 100 - 15 दैट इज 85 ग्राम. सो इस तरह से फर्स्ट स्ट्रेंथ हमने सीखा मास बाय मास. ठीक है नोट कर लो, यस. नाउ सेकंड, ये था फर्स्ट स्ट्रेंथ. सेकंड वन इज, अब देखो फिर से मैंने लिखा क्वेश्चन में, बस मीनिंग बदल जाना है, 10% HCl और ब्रैकेट दे दिया बेटा W/V, मास बाय वॉल्यूम. अभी भी आप देखो यहाँ पे एक ही कंपोनेंट गिवन है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूट, और दूसरा कंपोनेंट हिडन है, इसका मतलब वाटर लेंगे एंड वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, एक्ट एज ए सॉल्वेंट. तो देखो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं हुआ. सेकेंड डिफरेंस देखो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर V लिखा है, तो हमने पता है कि ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर, लेकिन V लिखा है दैट मींस इसको हमें ml में लेना है. जो न्यूमरेटर होता है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है एंड W का मतलब ग्राम है. तो देखो डिफरेंस क्या आएगा, अब चूंकि यहाँ पे देखो आपका किसमें आ गया, ml में, तो यहाँ पे देखो मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, 100 milliliter HCl सॉल्यूशन contains 10 ग्राम HCl. तो ये देखो 100 ml That is volume of solution. Volume of solution. 10 gram mass of solute. Mass of solute. अब आप देखो यहाँ पे unit difference हो गया. ये आप देखो किसमें आ गया? Volume ml में. ये gram में, तो subtract नहीं कर सकते. ऐसे question में आपके पास given होगा density of solution. मान लो density of solution मैंने ले लिया 1.05 gram पर मिलीलीटर. तो देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. सॉल्यूशन की डेंसिटी कितना आ गया, 1.05 एंड मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100. सो यहां से देखो हमने निकाल लिया मास ऑफ सॉल्यूशन कितना ग्राम आ गया, 105 ग्राम. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आपका सॉल्यूशन का मास आ गया तो देखो सॉल्यूट का मास तो यहाँ ऑलरेडी है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट 105 सॉल्यूशन का हो गया एंड सॉल्यूट का 10 हो गया, सो 95 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया. एक और एग्जांपल करते हैं तो और क्लियर होगा. जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 20% H2SO4 एंड ब्रैकेट में लिया W/V, साथ में दे दिया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.07 ग्राम पर मिली लीटर और मुझे निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट.
तो देखो जैसे लिखा है यहाँ पे 20% एस्प्रेसो रोल मास बाय वॉल्यूम, तो आपको मीनिंग अब आप समझ में आ गया होगा, 100 मिलीलीटर H2SO4 सॉल्यूशन सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम H2SO4। तो देखो ये जो 20 ग्राम हो गया, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये 100 ml देखो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो माइनस नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन हमने क्या दे दिया, डेंसिटी। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यूज करेंगे। ये हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितना है 1.07, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100। तो यहां से देखो आपका निकल गया बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन 107 ग्राम। अब देखो सॉल्यूशन का मास आ गया, सॉल्यूट का मास आ गया, तो एकदम से फटाक से निकल आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना ग्राम आ गया 107 - 20, दैट इज 87 ग्राम। तो इस तरह से मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है बच्चों, नोट करके लिख लेना है, कभी भी डेंसिटी ऑफ वाटर आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, समटाइम अगर जरूरत है तो आपको याद रखना है 1 ग्राम पर ml, इसको आपको याद रखना है, वाटर की डेंसिटी क्वेश्चन में कभी भी गिवन नहीं होता। ओके तो ये देखो आपका सेकेंड हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ थर्ड, थर्ड स्ट्रेंथ, मीनिंग बदल जाना है। देखो फिर से हमने लिखा 10% HCl, अब ब्रैकेट में लिख दिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो बिल्कुल मीनिंग बदल जाएगा 100 मिलीलीटर HCl सॉल्यूशन कंटेन्स 10 मिलीलीटर HCl। तो देखो यहाँ पे दोनों वॉल्यूम में आ गया, ये आपका है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये जो 10 हो गया ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से डिफरेंस कर सकते हैं बच्चों, सीधा निकल आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल आएगा 100 - 10, दैट इज 90 ml। तो इस तरह से हमने देखा मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक छोटा सा इसी से क्वेश्चन रिलेट करके देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया मैंने 20% C2H5OH, ब्रैकेट में दे दिया वी वाई बी, हमने साइड में लिख दिया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इक्वल टू कर दिया मास पर यूनिट वॉल्यूम, या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देखो मैंने दे दिया आपको। सपोज करो ये क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास मेंशन है 0.096 ग्राम पर मिलीलीटर। एक बार ध्यान से समझना, 20% C2H5OH वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.96 ग्राम पर मिलीलीटर, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ C2H5OH, ये C2H5OH का मास आपको निकालना है। जैसे आप C2H5OH का मास निकालते हो तो क्वेश्चन देखो 20% C2H5OH, इसका मतलब हो गया बच्चों क्वेश्चन में अगर आप देखो 20% है तो सबसे पहले तो आपने मीनिंग लिखना है 100 मिलीलीटर C2H5OH सॉल्यूशन कंटेन्स 20 मिलीलीटर C2H5OH। तो देखो आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये देखो कितना क्या आ गया आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट इज C2H5OH। तो यहां से बेटा आप निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन सा कंपोनेंट है, वाटर। कितना निकल गया बच्चों 100 - 20, दैट इज 80 ml, ये देखो आपका फाइंड आउट हो गया। लेकिन मुझे निकालना क्या था, मास ऑफ C2H5OH, तो हम देखो यूज करेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉल्यूशन की डेंसिटी देखो मैंने क्या ले लिया 0.96,
मास एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100। सो यहां से देखो मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास फाइंड आउट हो गया है 96 ग्राम। ये निकल गया बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन। अभी भी हमारा काम नहीं हुआ है क्योंकि मुझे तो मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। हमने फाइंड आउट क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का मास तो निकला ही नहीं। तो देखो इन दिस केस डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज यूज्ड। सो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट कौन सा कंपोनेंट है, वाटर। और वाटर की डेंसिटी देखो अभी हमने क्या बताया था, 1 ग्राम। फॉर्मूला तो सेम हो गया। सो 1 मास एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट देखो हमने फाइंड आउट किया है कितना आया है, 80 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, 80 ml ये है। तो देखो अब आपको 80 पुट कर देना है। तो यहां से देखो बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास फाइंड आउट हो गया 80 ग्राम। तो देखो आपने देखा कि वाटर की डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इसलिए मुझे हमेशा याद रखना पड़ेगा कि वाटर की डेंसिटी कितना होगा, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। आपको याद रखना है जैसे आपका सॉल्वेंट का मास निकल गया, सॉल्यूशन का मास निकल गया, अब आप मास ऑफ C2H5OH कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि 96 सॉल्यूशन का था और सॉल्वेंट का 80 हो गया, माइनस कर दिया है 16 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज C2H5OH कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से हमें डेंसिटी ऑफ वाटर का भी समटाइम यूज करना पड़ सकता है। तो अभी हमने 3 स्ट्रेंथ पढ़ा बच्चों, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और जब तक ये पार्ट्स आपको समझ में नहीं आता तब तक आप मोलरिटी मोलरिटी ये सब के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो, या अगर करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। सो इसको समझना बहुत अच्छे से मैंने अभी समझा दिया, एक बार दोबारा जब देखते हो आप इस चीज को तो राइट डाउन करना है, लिखना है प्रॉपरली, लिखना भी है जो भी बच्चे वीडियो आप देखते हो उसको लिखना है प्रॉपर, समझना है राइट। नाउ नेक्स्ट मोलरिटी, मोलरिटी कैपिटल एम से बच्चों इसको डिनोट करते हैं, 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। सो पहले इसका डेफिनेशन आप लिख लो, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया कि अगर मोलरिटी को फॉर्मुलाइज करो, मोलरिटी को तो देखो फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स किसका होता है बच्चों, ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर चेंज कर दें तो देखो गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वी। अब आपको इस फॉर्मूला में याद क्या रखना है, चूंकि मैंने 1000 ले लिया तो यहाँ पे जो वी हो गया बेटा वो हो गया वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, और किस यूनिट में लेना है ये जरूरी है आपको याद रखना, मिलीलीटर में लेना है। मतलब जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको एकदम से, अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो हमें एकदम से समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कई बार वॉल्यूम सेंटीलीटर में दिया, सेंटीएमएल में दिया हुआ है, कई बार वॉल्यूम लीटर में गिवन है, कई बार डिफरेंट यूनिट्स में होगा, लेकिन आपको किस यूनिट में लेना, हमेशा एमएल में लेना। उसी तरह से ये जो डब्ल्यू है ये मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, देखो इसको याद रखने से बहुत फायदा होता है क्योंकि मास जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ग्राम में गिवन हो, कभी मिलीग्राम होता है, कभी माइक्रोग्राम होता है, कभी नैनोग्राम, मेट्रिक टन, डिफरेंट यूनिट्स में गिवन हो सकता है। लेकिन अगर हमें ये पता है कि मास को हमें किस में लेना है, ग्राम में लेना है, किसका मास है, सॉल्यूट का, वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का, किस यूनिट में लेना है, मिलीलीटर में, तो क्वेश्चन एकदम से आपको इजिली सॉल्व हो जाता है। अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, वॉल्यूम, एंड अगर वॉल्यूम आ गया तो आपको ध्यान दो कि अगर टेम्परेचर को आप रेज करते हो तो डेफिनेटली वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कभी भी टेम्परेचर अगर रेज करते हो तो एक्सपेंशन होता है, लेंथ बढ़ता है, एंड वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यू। तो जैसे लेंथ बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ गया, और यहाँ पे देखो वॉल्यूम आपका कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। इसका मतलब हो गया कि मोलरिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया,
सो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो गया कि मॉलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कैसे, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस मॉलरिटी डिक्रीजेस. सो दिस इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है आपको 11th क्लास में, what is the significance of 1 mNaCl. मान लो सिग्निफिकेंस पूछा, तो देखो ये क्या दिया, 1 m, दैट इज, अब डेफिनेशन को ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मोल्स. सो 1 m दैट इज 1 mole ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, 1 liter ऑफ सॉल्यूशन. सो जितना भी यहां पे लिखा है इसका मतलब आपका मोल हो गया, लेकिन वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, 1 liter, बिकॉज डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, 1 liter में. जैसे मान लो क्वेश्चन होता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 2 mNaCl, इसका मतलब होता है कि 2 mole, देखो 2 आ गया, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 2 mole, यहाँ पे देखो 1 m था, हमने क्या लिया था, 1 mole. सो 2 mole ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, 1 liter ऑफ सॉल्यूशन. तो देखो वॉल्यूम यहाँ भी 1 liter है. अगर मान लो क्वेश्चन आता व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 3 mNaCl, तो देखो 3 m आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, 3 mole of NaCl dissolve in 1 liter of solution. तो इसका मतलब है कि अगर 1 m है, 1 mole, 2 m है, 2 mole, 3 m है, 3 moles per liter of solution. Volume always क्या होगा, 1 liter, लेकिन mole बदलते चला जाएगा. So that is the significance of molarity. Now एक फॉर्मूला देखो यहाँ पे समटाइम यूज होगा, उसको भी आपको समझना है. जैसे मान लो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, कोई भी टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें कोई सॉल्यूशन है ए, इसका वॉल्यूम मैंने पहले से ले लिया एंड मॉलरिटी ले लिया. कोई भी सॉल्यूशन ए है और वॉल्यूम गिवन है, मॉलरिटी गिवन है. अब जरा एज्यूम करो कि अगर हमने इसमें वाटर डाल दिया, पानी मिला दिया, जनरली पानी मिलाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने पानी मिला दिया या कोई और कंपोनेंट मिला दिया, तो क्या चेंज हो सकता है? यस, बिल्कुल सही. क्या चेंज होगा? बिल्कुल सही बताया, वॉल्यूम भी बदल जाएगा और स्ट्रेंथ भी बदल जाएगा. तो ऐसे केसेस में आपके पास 4 terms हो गया, V1, V2, M1, M2. तो एक फॉर्मूला बेटा यूज करोगे आप और उसको बोलते हैं मॉलरिटी इक्वेशन. फॉर्मूला क्या हो गया, V1, M1 इक्वल टू V2. इस फॉर्मूला का आप एप्लीकेशन देख सकते हो, तो ये फॉर्मूला भी हम देख सकते हैं, इस पे क्वेश्चंस होते हैं. यस, एक और फॉर्मूला देखते हैं इसमें. सपोज करो क्वेश्चन में गिवन है एक कोई भी टेस्ट ट्यूब या कोई वेसल ले लिया ए, इसमें हमने वॉल्यूम ले लिया V1, वॉल्यूम V1 ले लिया एंड साथ में मॉलरिटी ले लिया हमने, मॉलरिटी ले लिया बेटा M1. एक दूसरा भी सॉल्यूशन लिया साथ में और इसका वॉल्यूम V2 एंड मॉलरिटी M2, और इन दोनों को हमने क्या किया, एक बड़े से बीकर में मिक्स कर दिया, दोनों A को भी और B को भी. बस इन दोनों में कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि आइदर, देखो कंडीशन याद रखना जरूरी है, आइदर A एंड B बोथ आर एसिड और बोथ आर बेस, या तो दोनों के दोनों एसिड होंगे या दोनों के दोनों बेस होंगे. जो अभी फार्मूला बताने जा रहा हूं बच्चों, वो फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब ये दोनों के दोनों एसिड होंगे या दोनों के दोनों बेस होंगे. तो मिक्स कर दिया, अब मिक्स करने के बाद क्वेश्चन पूछ लेगा आपको मॉलरिटी ऑफ द मिक्सचर क्या होगा. तो देखो फार्मूला क्या हो गया, V1 M1 प्लस V2 M2 अपॉन V टोटल. अब ये V टोटल जो लिखा है, देर आर 2 situations. कभी कभी क्या होता है कि इफ वॉल्यूम
ऑफ द बिग वैसल इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ द बिग वैसल इज गिवन। मान लो आपके पास ये गिवन है इसका वॉल्यूम, तब तो आपको उसी को लेना है। एंड सम टाइम वॉल्यूम ऑफ द बिग वैसल इज नॉट गिवन, बिग वैसल इज नॉट गिवन, मतलब जिस बीकर में, जिस वैसल में हमने इसको रखा है, इसका वॉल्यूम गिवन नहीं हो, तो वैसे कंडीशन में आपको वी टोटल में क्या करना है, वी वन प्लस वी टू एड कर देना। तो इस तरह से हम मिक्सचर की मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो तीसरा कंपोनेंट होता तो यहाँ पे ऐड हो जाता, यहाँ पे ऐड हो जाएगा वी थ्री वी एम थ्री, इस तरह से ऐड होते चला जाएगा। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, देखो कैसे सिंपल एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन होता है 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर एम बाई 10 एच सी एल इज मिक्सड विद 100 मिलीलीटर एम बाई 20 एच टू एस ओ फोर। फाइंड द मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर। मिक्स कर दिया दोनों को, अब हमें क्या पूछ लेगा, मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, केसो तो कंपोनेंट है, देखो दोनों के दोनों क्या है, एसिड है। अगर ये बेटा दोनों के दोनों एसिड हैं, तो डेफिनेटली अभी जो मैंने फॉर्मूला यूज किया था, देखो मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर फॉर्मूला क्या था, वी वन एम वन प्लस वी टू एम टू अपॉन वी टोटल। अब आप देखो वी वन कितना है हमारे पास 100, एम वन कितना है हमारे पास 1/10, 1/10 प्लस वी टू कितना है हमारे पास 100 और 1/20 अपॉन, देखो कितने लीटर में मिक्स किया, ये क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना, वी वन प्लस वी टू मतलब 100 प्लस 100। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, हालांकि 11th क्लास में, 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक में इस तरह के क्वेश्चन गिवन नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एंट्रेंस में तो पूछता ही पूछता है, राइट। तो ये था आपका बेटा मोलरिटी, क्लियर हो गया मोलरिटी। नाउ नेक्स्ट टर्म फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी आपको मैं बता दूं, फॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में ऐसे कट है नहीं है, ना तो 11th में एनसीईआरटी बुक में है, ना तो 12th के एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। फॉर्मेलिटी बहुत सिंपल होते हैं, आपको एक लाइन लिख देना है बेसिकली कि इट इज एप्लीकेबल, सॉरी फॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं बच्चों एफ से, मैंने पहले एम लिख दिया था, एफ से डिनोट करते हैं। सो इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द आयोनिक कंपाउंड, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। बट जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा मोलरिटी, मोलरिटी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ कंपाउंड, फॉर ऑल द टाइप ऑफ कंपाउंड, ऑल द टाइप ऑफ कंपाउंड। इसी वजह से 11th के एनसीईआरटी से फॉर्मेलिटी को मेंशन हटा दिया है, क्योंकि फॉर्मेलिटी का काम मोलरिटी से ही हो जाता है, बट इट इज इन स्पेसिफिक केस। आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मेलिटी भी यूज कर सकते हैं, मोलरिटी भी यूज कर सकते हैं, बट कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओनली मोलरिटी। तो फॉर्मूला देखो बिल्कुल सिंपल हो गया, फॉर्मेलिटी बहुत सिंपल फॉर्मूला हो गया, इज इक्वल टू गिवन मास बाय एफएम, एफएम मतलब फॉर्मूला मास इन 2000 बाय वी। तो देखो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया, ये भी जो डब्ल्यू है बेटा ये हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, एंड वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट मिलीलीटर, एंड एफएम स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला मास। तो कई बच्चों को ये पता नहीं होता है कि व्हाट डू मीन बाय फॉर्मूला मास। बेसिकली फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास आर द सेम थिंग। आपको एक कंपाउंड के थ्रू बता देता हूं,
जैसे मान लो हमने एक आयनिक कंपाउंड ले लिया NaCl, इसका मोलर मास आपको निकालने आता है बच्चों, बट मैं निकाल दे रहा हूँ 23 सोडियम का होता है, आप प्लस क्लोरीन का हो गया 35.5, ऐड करोगे आपका आ गया 58.5। तो ये जो 58.5 आया है इसी को देखो हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास, मोलर मास। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास। इसी को देखो हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर वेट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास। आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला मास, सेम चीज। लेकिन अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें बच्चों, तो इसका मोलर मास 16 हो गया। देखो ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, बट फॉर्मूला मास इज नॉट एप्लीकेबल। सो फॉर्मूला मास इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द आयनिक कंपाउंड, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड, राइट। अगेन देखो इस फॉर्मूला के अंदर वॉल्यूम आ गया, तो फिर से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां भी बन गया कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो वॉल्यूम बढ़ेगा एंड फॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो फॉर्मेलिटी एंड मॉलरिटी दोनों डिपेंड कर रहे हैं टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इंक्रीजेस मॉलरिटी डिक्रीजेस, फॉर्मेलिटी डिक्रीजेस, राइट। तो ये सेकेंड स्ट्रेंथ हमने फॉर्मेलिटी क्रॉस का मतलब होता है कि आपको 11th क्लास के लिए इसको नहीं भरना है, 12th क्लास के लिए इसको नहीं पढ़ना है, बट जेई और नीट में ये आता है इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है, ओके। सो नाउ थर्ड टर्म, एक टर्म्स होता है बेटा मॉलिलिटी, मॉलिलिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉलिलिटी स्मॉल एम से डिनोट। ये देखो क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज the number of moles of a solute dissolved per kg of the solvent। तो फर्क हो गया देखो, molarity and formality में per liter of the solution होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, तो डिफरेंस हो गया। अगर हम फॉर्मूला की बात करें बच्चों, तो मॉलिलिटी स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखो गया, नंबर ऑफ मोल्स। ये जरूर ध्यान रखना है किसका, ऑफ ए सॉल्यूट, सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और चेंज कर दें अगर, तो गिवन मास बाय मोल, मोलर मास इन 2000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू नॉट, चेंज हो गया। देखो वहां पे होता था वी दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, यहाँ पे हो गया बेटा डब्ल्यू नॉट दैट इज मास ऑफ किसका, यस वेरी गुड बेटा, सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि 1000 ले लिया है एंड W सेम हो गया यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट का मास लेंगे और किस यूनिट में लेंगे, ग्राम में। अब आप देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में डिफरेंस आ गया, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब हो गया कि हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर। 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है विच स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, विच स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। तो अगर पूछ लिया विच स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो जहां तक अभी हमने पढ़ा है मॉलिलिटी एंड फॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉलिलिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, राइट। सो दैट्स व्हाई, इसी की वजह से एक और क्वेश्चन इसमें यूज हो सकता है, हेंस देखो ये क्वेश्चन अलग हो गया, हेंस इट इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखो यहां पे बन गया, विच स्ट्रेंथ इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, तो आंसर क्या दे देंगे, मॉलिलिटी, मॉलिलिटी
लीजिए, राइट। तो ये मॉलिलिटी आपको बच्चों समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट टर्म PPM, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसका कंडीशन होता है कि इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सॉल्यूशन विच कंटेन ए लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, विच कंटेन ए लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, विच कंटेन ए लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखो ए लिटिल मतलब बहुत कम, बहुत कम का मतलब ये हुआ कि एक ग्लास पानी लिया और चीनी का एक क्रिस्टल डाल दिया तो स्वीटनेस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब हुआ ए लिटिल बहुत कम। जैसे मान लो मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया बच्चों ए बी, और ए को मान लिया मैंने ए लिटिल, ए लिटिल ए को मान लिया। अब आपको अगर मान लो निकालने के लिए आ जाता है ppm ऑफ ए, जैसे ppm ऑफ ए निकालने आएगा, जिसका भी निकालना है उसके मास को आपको न्यूमरेटर में लेना है, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6। देखो इसको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि हमने वर्ड क्या पढ़ा, मिलियन। सो मिलियन से आपको याद रहेगा 10^6। सो जिसका भी ppm आपको फाइंड आउट करना है उसके मास को न्यूमरेटर में दे दिया एंड मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 10^6। तो इसका एक छोटा सा एक एग्जांपल सा भी हम देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नोट कर लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। मान लो कोई सॉल्यूशन है जिसमें एक कंपोनेंट है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बहुत खतरनाक कंपाउंड होता है क्लोरोफॉर्म, एंड इसमें पानी भी है। क्वेश्चन में क्लोरोफॉर्म का ppm दे दिया है 15 ppm, ये गिवन है क्वेश्चन में, और हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फर्स्ट परसेंटेज बाय मास एंड सेकेंड मोलिलिटी, परसेंटेज बाय मास सॉल्यूट लिख सकते हो, CHCl3 लिख सकते हो। तो ये कैलकुलेट करना है। तो देखो अब हमारे पास जैसे दो कंपोनेंट हो गया बेटा और ppm दे दिया है, तो इसका मतलब है कि आप ऐसे देखो इसमें लिख सकते हो किसका ppm गिवन है, क्लोरोफॉर्म का। तो ppm ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू मास किसका डिनोमिनेटर में हो जाएगा, यस बिल्कुल सही बताया, मास ऑफ CHCl3 जिसका निकालना है उसके मास को न्यूमरेटर में रखेंगे एंड मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया और इनटू 10^6। अब क्वेश्चन में देखो आपको निकालना क्या है, मास परसेंटेज। तो हमें क्या कर, देखो ppm आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 15, तो पहले तो वैल्यू पुट कर दिया, देखो मास ऑफ CHCl3 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6। अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो हमने क्या किया, अलग कर दिया, सेपरेट कर लिया बेटा, मास ऑफ CHCl3 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ये क्या है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। इधर देखो क्या आ जाएगा, 15 अपॉन 10^6। अब देखो निकालना क्या मुझे, परसेंटेज बाय मास, तो क्या करेंगे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर हो गया। और अगेन इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो फाइनली आंसर इज 15 × 10^-4। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो ये आ गया। अब हमें सेकेंड निकालना है, मॉलिलिटी। तो देखो हमारे पास जो डाटा कंप्लीट डाटा आ गया वो क्या आ गया बच्चों, मास ऑफ CHCl3 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये देखो यहां से आ गया 15 × 10^6। अब देखो वेरिएबल दो, एक इक्वेशन तो फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऐसे समझना होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थ्रू इसका मास फाइंड आउट कर लेंगे। बाय रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम ऐसा लिख सकते हैं
mass of CaCl3 is equal to 15 gram and mass of सॉल्यूशन इज इक्वल टू 10^6 ग्राम. जैसे सॉल्यूशन निकल गया और ये किसकी तरह एक्ट हो रहा है, सॉल्यूट की तरह. इसका मतलब है कि अब आप निकाल सकते हो बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट. तो 10^6 माइनस 50, चूंकि इसके रिस्पेक्टिव ये बहुत कम है तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं 10^6 ग्राम. जैसे हमने नेग्लेक्ट किया सॉल्वेंट का मास आ गया, तो आप देखो आप निकाल सकते हो मोलेलिटी. क्या निकालना है बच्चों? मोलेलिटी. मोलेलिटी तो देखो अब हम लोग क्या निकालेंगे, मोलेलिटी. मोलेलिटी तो मोलेलिटी का देखो फॉर्मूला आपके पास क्या है, तो गिवन मास बाय मोलर मास और इनटू 1000 बाय डब्ल्यू नॉट. डब्ल्यू क्या होता था? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम टू 15. क्लोरोफॉर्म का मोलर मास आप निकाल सकते हो 119.5 आएगा. इस तरह से निकाल लेंगे बच्चों CaCl3 कार्बन का एटॉमिक मास 10, हाइड्रोजन का 1 एंड क्लोरीन 3 इनटू 35.5. इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 119.5 इनटू 1000 और डब्ल्यू नॉट की वैल्यू देखो आपने निकाल लिया. कितना निकाला? डब्ल्यू नॉट 10^6. तो इस तरह से हमारा मोलेलिटी भी अब इसको सॉल्व तो आप कर सकते हो, तो मोलेलिटी भी कैलकुलेट हो गया. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पीपीएम. और ये एनसीईआरटी 11th में भी दे रखा है, 12th में भी दिया हुआ, दोनों बुक के अंदर 11th एनसीईआरटी एंड 12th एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन. तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये था आपका पीपीएम. ओके नेक्स्ट मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन हमारे पास दिया है, इसमें दो कंपोनेंट लिया मैंने ए बी. ए का मास है W1, मोल्स है N1 एंड वॉल्यूम है V1. बी का मास है W2, मोल्स है N2 एंड वॉल्यूम है V2. तो क्वेश्चन निकालने के लिए आता है बच्चों यहाँ पे देखो मास फ्रैक्शन ऑफ ए. जिसका भी निकालना है उसके मास को न्यूमरेटर में लिखना है एंड टोटल मास से डिवाइड कर देना. अगर मान लो निकालना होता है मास फ्रैक्शन ऑफ बी, तो फॉर्मूला हो जाता है W2. जिसका निकालना है, ध्यान रखना है, जिसका भी निकालना है उसके मास को न्यूमरेटर में. जैसे ए का निकालना है, ए का मास W1 था, हमने W1 को न्यूमरेटर में लिखा. देखो बी का निकालना था, बी का मास W2 है, इसलिए इसको न्यूमरेटर में रखा और टोटल मास से डिवाइड कर दिया. अगर इसी में परसेंटेज निकालना होता तो मल्टीप्लाइड बाय 100. उसी तरह से मान लो आपको निकालना होता मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. सिमिलर हो गया, मोल्स जिसका निकालना है उसके मोल्स को न्यूमरेटर में टोटल मोल से डिवाइड कर दिया. अगर मुझे बी का निकालना होता तो N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. और अगर मान लो इसको हमने X1 मान लिया, X2 मान लिया, तो X1 प्लस X2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा. उसी तरह से बेटा अगर हमें निकालना है वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए, तो वॉल्यूम को ले लेंगे V1 बाय V1 प्लस V2. एंड अगर आपको B का निकालना है तो V2 बाय V1 प्लस V2. तो इस तरह से मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एंड वॉल्यूम फ्रैक्शन किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं. बस ध्यान सिर्फ आपको ये रखना है कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को न्यूमरेटर में रखना है और टोटल मोल से डिवाइड कर देना है. अगर बी का निकालना है तो बी के मोल्स को न्यूमरेटर में रखेंगे, सिमिलरली वॉल्यूम में है, सिमिलरली मास में है. और किसी का भी आपको परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाइड बाय 100. राइट डाउन, लिख लो बेटा. तो आज हमने स्ट्रेंथ फॉर्मूला सारा कंप्लीट कर लिया. अगली क्लास में कुछ इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और इसका अगला एप्लीकेशन जो स्पेशली जेई और नीट में यूज होगा, तो अगला लेक्चर देखना आप मत भूलना, क्योंकि इसके अगला लेक्चर जो होगा हमारा स्पेशली फॉर जेई एंड नीट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आपको जरूर देखना है. और ये वीडियो आपका बेसिक है स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए, 12th क्लास के बच्चों के लिए. सारे फॉर्मूला की लिस्टिंग कर दिया है, समझा दिया है. अगली क्लास में इस पे बेस न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का करा देंगे एंड देन JEE and NEET के लिए क्वेश्चंस करेंगे. ओके, थैंक यू.